बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दिस इज अंडर टाइटल कंप्यूटर कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि हम स्टार्ट से प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी को कवर करते हुए आ रहे हैं, जिनमें हमने स्टार्ट दिया था विद द नेम ऑफ प्रोफेशनलिज्म, देन हमने प्रोफेशनल एथिक्स को स्टडी किया, इस तरह फिर हमने जो है वो आफ्टर प्रोफेशनल एथिक्स के हमने फाइनेंशियल और हमारे पास जो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न किया। नाउ अब हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो पहुंचा है कि हम एक प्रोफेशनल वे में, क्योंकि जब भी हम फोकस कर रहे हैं अभी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर से ज़्यादा लिंक होते हैं एरियाज उनसे, तो उनमें जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, जिनको कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो या कोई भी सर्विस हो, तो उनके लिए डिफरेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए जाते हैं। तो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वो किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको किस तरह से आगे प्रोसेस किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में लर्न करनी है, जो अंडर टाइटल हमारे पास ये डिफरेंट आउटलाइन से स्टार्ट होते हुए, जैसे कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट लेते हैं हम कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, यानी उसका पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर तक पहुंचने के लिए हमें जितने भी स्टेप्स जो है वो कवर करने हैं वो सारे हमारे इस पार्ट में आएंगे। अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कोई कंप्यूटर का हो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन डिफरेंट मल्टीपल्स जो हमारे पास आते हैं सोर्सेस, वो हमारे पास मल्टीपल जो है कॉन्ट्रैक्टर वो उनको परफॉर्म करते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं हम व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो सिंपल एंड कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो है, दिस इज एन एग्रीमेंट वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास कौन से हैं पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सिंपली जिस तरह किसी भी दो पार्टीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट लाइक सेम कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर पर्संस क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज एंड विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, यानी जिनको हम किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो दो हमारी पार्टीज हैं उनमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज जो है वो असाइन करें। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस दैट आर लीगली enforceable and if violated allow the injured party access to legal remedies, के जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगी, वॉलेट करेगी, तो उसको जो है वो उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी लीगल रेमेडीज होंगी यानी जो भी सजा होगी वो उसे जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन विच ऑब्लाइज ईच पार्टी टू डू आर नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग, ये दोनों पार्टियों में हर पर्सन ने जो है वो प्लेज करना है कि उसने क्या करना है और कौन सी जिम्मेदारी उसने जो है वो फुलफिल करनी है अकॉर्डिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। इन डिटेल के कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर आर द सेट आउट द एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज, यानी दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, सेट आउट द एम ऑफ द पार्टीज के दोनों पार्टियों का एम क्या है, एंड प्रोवाइड रूल्स फॉर द इश्यूज अराइजिंग व्हाइल कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग, यानी रूल्स भी ये हैं कि जो डिफरेंट इश्यूज राइज होंगे बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट उनको जो है ये रनिंग के जो दौरान, यानी जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसमें अगर कोई इशू अराइज होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, वेज ऑफ द टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरह से हम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन, किन वजूहत की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे, खत्म करते हैं। व्हाइल ऑप्टिमिस्ट मेक द बेस्ट डील मेकर्स, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो बेस्ट डील मेकर्स होते हैं और जो पेसिमिस्ट मेक द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स। ठीक है, ये जो है एक साइंटिस्ट है हेनरी पोयर पियर्सन, उनका ये एक स्टेटमेंट है कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं यानी जो खुले दिमाग वाले, खुले दिल वाले होते हैं, वो डील बहुत अच्छी बनाते हैं,
लेकिन जो पैसिमिस्ट हैं, यानी जो छोटे दिल रखते हैं या जो मतलब नैरो चीजों को सोचते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ लिमिटेशन रखनी है उन्हें, कहाँ। जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो वाइड चीजों को ले जाते हैं, लेकिन जो पैसिमिस्ट होते हैं, जो चीजों को क्लोज करने वाले होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लिखते हैं। दैट इज अ पॉइंट ऑफ अ राइटर, नॉट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, बट दिस इज अ स्टेटमेंट जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें लिमिटेशन बतानी होती है कि हमने कहाँ इस चीज को लिमिट करना है, लेकिन सर्विस को, प्रोडक्ट की जो हमारी आपस में एक्सचेंज ऑफ हो रही है, इसको कहाँ पे हमें लिमिट करना है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेट आउट इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर, उसे क्लियर और लॉजिकल मैनर में सेट करना है। शुड बी कम्प्लीट एंड कंसिस्टेंट, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम्प्लीट भी और कंसिस्टेंट भी हो, इसमें तसल्सुल हो। शुड हैव नो एम्बिग्यूटी, उसमें एम्बिग्यूटी कोई ना हो, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। शुड बी फ्री ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंसर्न पार्टीज, तो उसमें कोई डाउट ना हो कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टी की है, कौन और कौन सी किसकी नहीं है। There are four types of contractual arrangement which are widely used in connection with provision of software services. यहाँ पे ये four types के जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो mostly contractual agreements होते हैं, जिसमें fixed price, price जो है वो fix होगी। contract hire जो है, यानी क्या hire करना है, किसको hire करना है, ये एक limit होगा। time and material, कौन सा time, किस time में, किस time duration में, और जो है वो material कौन सा use होगा, ये। देन कंसल्टेंसी, जाहिर बात है जितनी सर्विस हम दे रहे हैं तो उसको कंसल्टेंट की भी जरूरत पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स प्राइस, यानी जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो के प्रोडक्ट बनने से जाके एंड यूजर जब उसको यूज कर रहा है, उसके भी जो इश्यूज आ रहे हैं, तो वो पूरी सप्लाई चेन में जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं वो प्रोड्यूसर ने करनी है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होती हैं चीजें। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब हम आ गए उस डॉक्यूमेंट पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो उसका पहला जो सेक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहा होता है। उसके बाद अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अ सेट ऑफ अपेंडिसेस आर एनेक्सेस, जारी बात है उसमें कितनी हमने एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी जो डिटेल्ड होती है वो अपेंडिसेस में आती है, और एनेक्सेस में होती है, वो हमने बॉडी में नहीं देनी होती। सो उसके बाद जो है वो है द इंट्रोडक्टरी सेक्शन। उन सारी चीजों के बाद ये जो सेट ऑफ अपेंडिसेस या एनेक्सेस होती है, ये हम लिस्ट देते हैं, ये जो है वो हम स्टार्ट में डिटेल्स नहीं होती बल्कि हम लिस्ट दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्टरी सेक्शन। इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमारा जो है वो हमें बता रहा है, स्टेट्स दैट इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हुज नेम्स एंड रजिस्टर्ड एड्रेसेस आर गिवन, उसमें सारी हमने उनकी एड्रेसेस होंगी, उनकी डिटेल्स जो हमें होगी वो बतानी होती है, कि ये किसके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है, किस मैटर के लिए होता है। इट इज डेटेड एंड साइन बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज, और उस पे सिग्नेचर होते हैं जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों पार्टीज के, या अगर मल्टीपल हैं तो सबके जो है वहां पे सिग्नेचर की भी जगह होती है। सो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। टू लेवल रेफरेंस इज नॉर्मली यूज, के हम क्या जो है वो बना रहे हैं, इसका मकसद क्या होगा, तो उसमें हमने रेफरेंसेस देने होते हैं, जिस तरह फला कंपनी ने या फला ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्टिविटीज की थी या इस तरह से किया था, तो हमने रेफरेंसेस देने होते हैं। जस्ट लाइक सच ऑर्गेनाइजेशंस, सच लाइक कि दिस मटेरियल और दिस वर्क वी आर गोइंग टू फॉलो दिस ऑर्गेनाइजेशंस। सो व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, कि क्या डिलीवर होगा, दिस इज ऑल्सो मेन जो है मटेरियल है हमारे पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, या स्पेसिफिक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो। प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट सिंपली हैंडिंग ओवर द टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम, ये अगर हम कहें कि सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोड्यूस करना और उस टेक्स्ट प्रोग्राम को किसी के हैंडओवर करना, ये कोई इजी टास्क नहीं है, जिसमें हमारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, लाइक सम अदर पॉसिबिलिटीज आर सोर्स कोड, हम जब तक उसको सोर्स कोड ना दें, कमांड फाइल्स आर बिल्डिंग द
एग्जीक्यूटेबल कोड फ्रॉम द सोर्स एंड इंस्टॉलिंग इट, कि उसको इंस्टॉल किस तरह करना है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिजाइन एंड कोड, डिफरेंट मैनुअल्स, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट रिजल्ट्स, तो ये सारी चीजें जो है वो डिलीवर की जाती हैं किसी भी एंड यूजर को. उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन आ जाते हैं कॉम्पोनेंट पार्ट, ओनरशिप ऑफ राइट्स, कि ओनरशिप किसके पास होती है. जब दो पार्टीज में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो अदर ओनरशिप प्रोड्यूसर रखेंगे या वो अपने क्लाइंट को सेल कर देंगे. कॉन्फ्लिक्ट शुड स्टेट व्हाट लीगल राइट्स आर बीइंग पास्ड बाय द सॉफ्टवेयर हाउस टू द क्लाइंट अंडर द कॉन्फ्लिक्ट, कि वो कौन से राइट्स अपने पास रख रहे हैं और कौन से वो क्लाइंट को दे रहे हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमें अगर किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल अपना डेटा दे रहा है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट में आता है कि जो उसका डेटा है वो देखना होगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसे कीपन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, उसको जो है वो किसी भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी तक लीक नहीं किया जाएगा. कॉन्फिडेंशियलिटी मींस कीपिंग इन क्लास इंफॉर्मेशन बिटवीन यू एंड द क्लाइंट एंड नॉट टेलिंग अदर्स इंक्लूडिंग कोवर्कर्स, फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा. इट शुड बी हाईली कंसिडर्ड बाय राइटिंग कॉन्फिडेंट, जब भी कॉन्फिडेंट लिखा जाता है तो इस कॉन्फिडेंशियलिटी को हाईली जो है वो मैंशन करके कंसिडर करके लिखा जाता है. देन पेमेंट टर्म्स, ये भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं. स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस विल स्पेसिफाई पेमेंट कंडीशंस, लाइक पेमेंट शैल बी कम ड्यू विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ एन इनवॉइस, के जब इनवॉइस बनेगी तो पेमेंट जो है वो कितने दिनों में पे करनी पड़ेगी. जो सेलिंग हमारे पास क्लाइंट्स हैं उन्होंने पेमेंट इज डिलेड बाय मोर देन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, द कंपनी शैल हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू अप्लाई अ सरचार्ज, उस पे जो है वो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट जो है सरचार्ज का अप्लाई कर रही है या उसके लिए वो टर्मिनेट कर रही है, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट के आइटम में लिखना होता है कि जी इसका जो है वो क्या पेमेंट का शेड्यूल होगा. उसके बाद कैलकुलेटिंग पेमेंट्स ऑफ द डिलेज एंड चेंजेस, के अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पेमेंट उसकी मतलब किसी भी वजह से वेस्ट हो रही है या उसमें डिफरेंस लाने पड़ रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस होंगी, या अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका डिले हो गया है तो फिर उसमें क्या सिचुएशन होगी. मस्ट स्पेसिफाई द प्रोसेस बाय व्हिच दीस एक्स्ट्रा पेमेंट्स आर टू बी कैलकुलेटेड, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कोई हम उस पर चार्ज करना चाहें तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी. पेनल्टी क्लासेस, डिलेज कास्ट बाय सप्लायर्स आर हैंडल्ड बाय पेनल्टी क्लासेस, के अगर सप्लायर जो है वो टाइम पे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा तो उस पर कितनी पेनल्टी आएगी. ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट, के When work is being carried out for a specific client, जब किसी भी specific client के लिए काम हो रहा होता है, the client will have to fulfill certain obligations if the contract is to be completed successful. कि उसमें different obligations होती हैं client के लिए, कि अगर वो time पे complete हो जाता है तो वो उसको किस तरह से oblige करेंगे. Some other section of a contract, different जो है वो होते हैं component और section होते हैं किसी भी contract के. Standards and methods of working. प्रोग्रेस मीटिंग्स, ये अब हम आ रहे हैं जो मैनेजरियल उसमें आ गई एक्टिविटीज, कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमने दे दिया, अब क्या करना है कि हमने उसको जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं वो मैनेजरियल जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके थ्रू हमने उसको फुलफिल करना है. इससे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस मीटिंग, के वर्किंग एंड प्रोग्रेस मीटिंग्स हमारी कब होगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होंगे, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर कि इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, वारंटी एंड मेंटेनेंस कि इसकी वारंटी कितनी होनी चाहिए, इस जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा, कितने टाइम के लिए हम उसमें दिखें. एंड इंडेमिटी, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, कि हम अपने क्लाइंट से अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे. एंड आर्बिट्रेशन इन्फ्लेशन एप्लीकेबल लॉ, कि ये कब जो है वो इसमें कमी आ सकती है या इसमें हम जो है वो डाउन जा सकते हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो मैनेजर पार्ट पे भी हमने कंसिडर करके उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखनी होती है. कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट्स आर वेरी मच सिंपलर देन फिक्स प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, रीजंस मच लेस इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर. ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हायर ये कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट हायर किया और फिक्स प्राइस पे हमने कोई जो मतलब हम जो है वो हमने फिक्स प्राइस हमारी एक होती है और दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने सप्लाई जो कर दी लेकिन अब उसमें इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई, यानी वो चीज़ देने के बाद हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोड्यूसर की खत्म हो जाती है. टाइम्स एंड मटीरियल,
ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि किस टाइम में कौन से मटेरियल को जो है वो यूज किया जाएगा इस प्रोडक्ट के लिए. इट लाइज बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट बायर एग्रीमेंट्स एंड फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. द सप्लायर एग्रीज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इन मच द सेम वे एज इन अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. But payment is made on the basis of cost incurred with labor charge and the same way as far as contract है. जिस तरह से कि हमने उसमें consultancy contracts, ये दूसरा type है, ये हमारे पास दूसरा भी तीसरा type है जिसमें use of consultants is now widespread in both private and public policy. कि हमारे पास public और private bodies में different consultancy contracts होते हैं. कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये फिक्स प्राइस के होते हैं बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर. बहुत सिंपल होता है क्योंकि आपने सिर्फ किसी को एडवाइस देनी है कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल एनीबॉडी इज वेरी एक्सपर्ट इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो वो उसे करने के जी हम जो है वो आपके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करेंगे. इस तरह से और भी डिफरेंट होती हैं एक्टिविटीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कंसल्टेंसी से रिलेटेड होते हैं यानी उन्होंने एडवाइस देनी होती है कि हाउ यू हैव टू डू. किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर कोई एक्सपर्ट आके आपको कंसल्टेंसी दे रहा है या आपके सर्विसेज लेते हैं दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट. सो लाइबिलिटी फॉर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर. अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में different levels of professional management में आपके पास different laws होते हैं. so in a contract base आप अगर देखें तो वहाँ पे भी different आपके पास laws हैं. so there are laws present to ensure the quality of products and goods delivered to a customer. के आपके पास different laws हैं यहाँ पे पाकिस्तान में भी international level पे भी जो must जो है वो आपको यानी एक लिमिट तक आपको क्वालिटी की इंश्योरेंस देनी पड़ती है कि आपने जो गुड्स सब जो किसी को डिलीवर किए हैं कस्टमर को तो उनमें जो है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट एंड कंडीशन फिटनेस फॉर ऑल रिक्वायर्ड पर्पसेस फ्रीडम फ्रॉम माइनर डिफेक्ट्स सेफ्टी ड्यूरेबिलिटी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने किसी लॉ को जो है वो देखते हुए उसमें देखनी होती है कि जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना है तो वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताना कि कौन से लाभ किस टाइम में आप जो है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी आप पे क्या पड़ेगी. अगर आपने जो बताई ये चीज आपने इतनी उसकी वारंटी दी है आपने उसकी क्वालिटी ये बताई है तो आइदर वो उसको फुलफिल कर रही है नहीं कर रही तो उसके लिए जो है वो आप दूसरा जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो उस पे ऊपर भी वो लाइबिलिटी पे करने का आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करके लिखते हैं कि जी अगर हमारी प्रोडक्ट इस तरह नहीं हुई या अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो आपसे बता सकते हैं कि जी इस सलाह को देखते हुए जो है उस पर पेनल्टी हो सकती है. सो दिस वाज अ सिंपल एंड बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने स्टडी की है कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उनके जो राइटअप में हमारे पास जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट होती है उसमें हमें क्या मेंशन करना होता है कौन सी चीज़ों को हमने हाईलाइट करना होता है. Thank you so much for joining the lecture. If you have any question, you can ask. Thank you so much and Allah Hafiz.